DI। तो चलिए इसके हम गेयर के बारे में बताएंगे, इसमें तीन गेयर क्यों होते हैं। देखिए तीन गेयर इसमें होते हैं, ये फर्स्ट वाला गेयर हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। इसमें तीन गेयर, हेलो दोस्तों नमस्कार, KK ड्राइविंग स्कूल चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम महिंद्रा के गेयर के बारे में बताएंगे, महिंद्रा है 265 DI। तो चलिए इसके हम गेयर के बारे में बताएंगे, इसमें तीन गेयर क्यों होते हैं। देखिए तीन गेयर इसमें होते हैं, ये फर्स्ट वाला गेयर हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। इसमें तीन गेयर क्यों दिए होते हैं, तीनों का अलग अलग उपयोग बताएँगे और इसके बारे में पूरी जानकारी बताएँगे। ओके, वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए ये ट्रैक्टर की सीट पीछे करने वाला है, चलिए हम सीट भी पीछे करेंगे तभी सही से आप लोगों को दिखेगा। चलिए हम ट्रैक्टर के ऊपर आ गए हैं दोस्तों, तो चलिए हम पहले सीट पीछे करते हैं, इसमें सही से आप लोगों को दिखे। ये मेरी सीट पीछे हो गई, ठीक है दोस्तों, ये मेरी सीट पीछे हो गई। देखिए कितना पीछे हो गई, इतना पायर एकदम सीधे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए हैं, तो चलिए बताते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर गियर, ये हमारा सबसे मेन गियर है जो रोड पे चलते समय काम आता है। तो चलिए इसमें फोर गियर हैं और इसमें चार आगे की तरफ हैं, एक रिवर्स है। तो चलिए ये लाइन है गियर की दोस्तों, तो जब न्यूट्रल होगा गियर तो राइट लेफ्ट जाएगा। तो और ये हमारा लो और हाई गियर है, देखिए यल बना है और यच बना है। यल का मतलब यहाँ पे भी देखिए बना यल यच, और यहाँ पे इसके गियर दिए गए हैं महिंद्रा के, और यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको न्यूट्रल करते हैं, इसमें भी न्यूट्रल होता है, ये लो हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये अब हाई पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो हम तीनों गियरों का उपयोग बताएँगे दोस्तों, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड होता है PTO, ठीक है। तो इसको कैसे उपयोग करना है, चलिए चलिए सबसे पहले हम एक नंबर गियर के बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यानी इसमें चार गियर हैं आगे की तरफ चलने के लिए और एक है बाइक जाने के लिए। हमारा क्लच दबाएं, ये रिवर्स हो गया और ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड और फोर्थ, और गियर के बारे में हमने वीडियो अच्छे से समझा दिया है और हमारी वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गियर के बारे में, और आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट गियर का काम ख़त्म हुआ, अब हम सेकेंड गियर के बारे में बताते हैं। ये हमारा हुआ यच और यल, लो हाई, अगर हमें रोड पर चलाना है तो इसे हम हाई में कर लेंगे। हाई में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी नॉर्मल गाड़ी चलेगी जैसे रोड पे चलती है तेज़ गाड़ी। और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, यानी सब गियर न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल, सब काम खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा। या तो इसको लो में करेंगे या तो इसको हाई में करेंगे तभी चलेगा, तो ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लो हाई हुआ, तो ये हमारा हाई में है, हम रोड पर चला सकते हैं। बाई चांस हम गन्ने की भरी ट्राली या कुछ अधिक लोड लिए जा रहे हैं, रास्ते में ट्राली पलटने का चांस है, या मतलब खाचे हैं या ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, तो इसे हम लो में कर देंगे और पहला गियर लगा लेंगे, तो बहुत कछुआ की चाल चलेगा, बहुत स्लो स्लो गाड़ी चलेगी, ठीक है दोस्तों। आराम से गाड़ी निकाल सकते हैं, रास्ता ख़राब है या मेला है, जाम है कहीं, तो आराम से हम धीरे धीरे चला सकते हैं। जितना ये फर्स्ट हाई, इतना जितना ये मतलब हाई में इस समय है और फर्स्ट गियर डाला, जितनी तेज़ चलेगा उतना लो लगाने के बाद टॉप में चलेगा, थोड़ा बिल्कुल ज़रा सा तेज़ चलेगा, ठीक है। तो इसका लो हाई हो गया, ठीक है दोस्तों। गाड़ी धीरे चलाना है तो लो लगा लेंगे, तेज़ चलाना है हाई लगा लेंगे। अब हम तीसरे गियर के बारे में बात करते हैं, तीसरे गियर के बारे में। तो हमारा तीसरा गियर हो गया, ये क्लच दबा के पीछे जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये आगे आएगा। तो ये हमारा होता है PTO, जिससे थ्रेसर वगैरह पीछे, रोटावेटर वगैरह, शाफ्ट वगैरह चलते जो पीछे नचता है, ये हमारा तीसरा गियर है, ठीक है दोस्तों। ये PTO, इसको यहाँ से लगा देंगे क्लच दबा के, गाड़ी चलते टाइम लग जाएगा, अभी हाफ लग रहा है, ठीक है, इसको लगा देंगे तो पीछे का जो रोटावेटर वगैरह कुछ होता है, थ्रेसर वगैरह, तो चलता है, राउंड करता है। PTO हो गया हमारा स्लो और फास्ट के लिए है, ये हमारा नॉर्मल रोड पर चलाने के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम नीचे से बता दे रहे हैं, हमारे तीन गियर होते हैं, ये फर्स्ट हो गया और सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। तीनों गियरों का अलग अलग काम है,
ये हमें आगे चलाने के लिए हाई लगा लिए। नॉर्मल रोड पे जैसे कार जीप बस चलती हैं वैसे नॉर्मल, या तो खेती में यूज करना जोताई वोताई के लिए, तो ये हमारा लो हो जाता है। तीसरा लगा लो, आराम से चलता रहेगा जोतता रहेगा, हाई लगा लो रोड पे चलो। और ये जो हमारा पीटीओ होता है ये हमारा पीछे थ्रेसरिंग या रोटावेटर पे चलने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को अपने सेंड कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसमें न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, कार बस जो भी आपको सीखना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी वीडियो बना देंगे। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। ओके दोस्तों, अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना, हम ये गाड़ी भी चलाना सिखा देंगे और उसके ऑल फीचर्स भी समझा देंगे। और मेरे चैनल को चेक कर लेना। और दोस्तों सामने जो खड़ी है हमारा घर है सुमो, इसके बारे में हम बताएंगे, और ये ट्रैक्टर है इसके बारे में बताएंगे फुल डिटेल्स। तो चलिए हम ओके बाय वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सुमो के बारे में भी बता देंगे आपको, उसकी भी ड्राइविंग सिखा देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।